हाय गाइस, मेरा नाम मनीषा है और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम आपको लेके आए हैं मोहाली के काफ़ी अच्छे गेटेड सेक्टर में। 300 गज का ये विला है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा विला है, आप जैसा कि मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। आज हम आपको विला दिखाने जा रहे हैं। 300 गज का ये बना हुआ विला है और गाइस जो आज हम आपको विला दिखाने जा रहे हैं इससे एक तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, बाकी आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, एलिवेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत वुडन का काम किया गया। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर के सामने ही 60 फीट की रोड आ जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं और साथ में ही पार्क आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहेगी और ग्रीनरी का बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक घर में ग्रीनरी होनी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे थोड़ा अच्छा लगता है आपको भी। यहाँ साथ में मैं आपको पार्क भी दिखाऊंगी, छोटा सा एक पार्क है जहाँ आप बैठ के अपना सुबह शाम की कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, टी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा छोटा सा पार्क आ जाता है, थोड़ा छोटा सा ये एरिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि घर के सामने ही 60 फीट की रोड आ जाती है, आपको पार्किंग की कोई इशू नहीं रहेगी और यहाँ पे भी आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ इजीली पार्क हो जाएंगी, ठीक है। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली है क्योंकि सामने भी आपको 60 फीट की रोड मिल जाएगी जिसपे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो घर के अंदर जाने से पहले हम आपको इस डोर के बारे में बता देते हैं। तो जो इस डोर का साइज रहेगा वो है 8x4 और बाकी इस पे मलेशियन टीकवुड का काम किया गया है, पूरे ही घर में WPC का काम किया गया है। तो गाइज मैं घर की एक बहुत ही मेन बात आपको बताना चाहती हूँ, घर में जो चीज़ एक इंस्टॉल की गई है ये चीज़ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये है सर्वो वोल्टेज कंट्रोलर। इससे क्या रहेगा कि कभी कभार ऐसा रहता है कि पंजाब में कभी हाई चली जाती है लाइट, कभी लो चली जाती है, इससे क्या रहेगा कि आपके अप्लाइंसेस बचे रहेंगे, वोल्टेज का कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे इस चीज़ की वजह से। तो गाइज अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। घर के अंदर जाने से पहले आप यहाँ स्टेयर्स देख रहे होंगे, ये जाते हैं हमारे टॉप फ्लोर को जहाँ पर हमने केयर टेकर रूम बनाया हुआ है, 1 बेडरूम सेट बनाया गया है ऊपर को। तो अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस रहेगी जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के साथ में ये आ जाता है ड्राइंग रूम। तो गाइज ये है हमारा ड्राइंग एरिया, ये आ जाता है ड्राइंग रूम जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग वुडन का फॉल सीलिंग आपको मिल जाता है, साथ में AC भी आपको मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंक्लूडेड रहेगा। तो गाइज एक और मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, VRV लगाया हुआ है यहाँ पे, इससे क्या है कि आपको सर्दियों में गर्म हवा मिलेगी और जब गर्मियाँ हैं वो तो ठंडी हवा आपको मिलनी है। तो गाइज ड्राइंग एरिया के बाद आप देखेंगे हमारे फोर एरिया में बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल ग्रास का डेकोरेशन किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहीं पे ही आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, आप अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग लुक मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। तो गाइज जैसे ही हम घर के अंदर और एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। ये कॉमन वॉशरूम देने का रीज़न ये है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आपके बेडरूम के वॉशरूम को यूज़ करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज़ करें, इससे क्या रहेगा कि आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी।
तो अब चलते हैं मेन कॉमन वॉशरूम के बाद हम चलते हैं हमारे फैमिली लाउंज एरिया की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे पार्टीशन की गई है बहुत ही अलग तरीके से, और ये आ जाता है हमारा फैमिली लाउंज एरिया। यहाँ पे आपकी टीवी पैनल आ जाएगा। ये जो आप कैबिनेट्स देख रहे हैं इधर बने हुए हैं, यहाँ पे भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपने एंटिक पीस रख सकते हैं या कुछ शोकेस जो रहते हैं वो चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉल सीलिंग की बात करें अब तो काफ़ी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल रही है, बहुत ही अलग बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपका लाउंज फैमिली लाउंज एरिया आ जाता है ये। तो गाइस फैमिली लाउंज एरिया के बाद हम चलते हैं इधर, ये एरिया आप देखेंगे जैसे, तो जो ये स्पेस है यहाँ पे आप आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप बार भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो इस स्टेयर्स के नीचे ये वाला एरिया आ जाता है गाइस, यहाँ पे आप अपने गमले रख सकते हैं या जैसे भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपके आइडियाज़ हों वैसे आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज अब हम आपको लेके चलते हैं घर के सबसे मेन हिस्से में, जो कि आ जाता है हमारा किचन। ये आ जाता है हमारा किचन, काफ़ी स्पेशियस ये किचन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कैबिनेट्स आ जाते हैं, कोई आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप अपना अवन रख सकते हैं या जो भी आप रखना चाहें। ये आ जाती है पेंट्री, और ये एरिया आ जाता है आपको अपने क्रॉकरी रख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ सारे के सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी स्पेस के साथ। कोई आपको किचन में प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्पेस नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहीं पर आपको चिमनी मिल जाती है, हॉब मिल जाता है, ये इंक्लूडेड रहेगा 5 ईयर की वारंटी के साथ। और ये आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया, यहीं पे आपको विंडो मिल जाती है ताकि आपको वेंटिलेशन मिलती रहे और सनलाइट आपको प्रॉपर मिलती रहे आपके किचन में। तो गाइज यहीं पे हमने आरओ इंस्टॉल किया हुआ है, देख सकते हैं आप। गाइज अब किचन के बाद हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ, ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो गाइज यहाँ पे आपका 8 से लेके 10 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगा, काफ़ी इजीली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी स्पेस यहाँ बच जाएगी। और यहीं पे ही आपको आपका वॉशिंग एरिया मिल जाता है, साथ में कैबिनेट्स भी हैं। और यहीं पर आप देखेंगे आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है विद मैश विंडो के साथ, इससे क्या है कि आपको नेचुरल लाइट मिलती रहेगी और आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बैकयार्ड की तरफ। यहीं पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कपड़े धो सकते हैं या जो भी आप करना चाहे, बहुत ही अच्छा। बहुत पूरे घर में आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी मेंटेन की गई है, इससे क्या रहता है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड फ्लोर की हमने सारी चीजें आपको दिखा दी हैं, इसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। और फॉल सीलिंग की बात की जाए तो काफ़ी वुडन का काम किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। VRV सिस्टम इज ऑलरेडी इंस्टॉल्डेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं पे ही आपको आपका विंडो मिल जाता है, जिससे आपकी नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहेगा, बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं अपने बेडरूम से। यहाँ पे आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया, साथ में ही आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे।
और इसके बाद हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। उससे पहले ये आ जाता है वार्डरोब एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका वार्डरोब एरिया। और ये आ जाता है आपका वॉशरूम, जिसको ग्लास के साथ पार्टीशन की गई है, जिसकी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, हमने वार्डरोब में सेंसर लाइट लगाई हुई है, जिससे क्या है कि अगर आप वार्डरोब खोलेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और अगर आप वार्डरोब बंद करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद आ जाता है यहीं पे आपको बहुत ही बड़ा एक मिरर मिल जाता है। तो गाइज ग्राउंड फ्लोर का हमने सब कुछ देख लिया है, तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आ जाते हैं इंटरनल, आपके स्टेयर्स आ जाते हैं यहीं पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल पे हमने काफ़ी अच्छा आर्टवर्क किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे स्टेयर्स के साथ में ही हमने सेंसर लाइट लगाई हुई है, जिसका कारण ये है कि आप आएंगे, जैसे ही स्टेयर्स में आएंगे तो लाइट ऑन हो जाएंगी, ताकि रात में कोई प्रॉब्लम ना हो स्पेशली। तो गाइज बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको एक जगह दिखाना चाहती हूँ। ये आ जाता है हमारा स्टोरेज एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्टोरेज के साथ ये आ जाता है। फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं, स्टोरेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो गाइज यहाँ पे ये स्टोरेज रूम बनाने का ये रीज़न है ताकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है, जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स है या एक्स्ट्रा कोई भी सामान है, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे पेंट्री एरिया की तरफ। ये आ जाता है हमारा पेंट्री एरिया। तो गाइज इस पेंट्री एरिया में आप देखेंगे बहुत ही बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छा व्यू है सामने सामने जो आप देख रहे हैं। सारा ये प्लॉटिंग हो रखी है यहाँ पे, आने वाले कुछ समय में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। और गाइज ये आ जाता है आपका ब्रेकफास्ट टेबल। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, पर फर्स्ट फ्लोर पे पेंट्री बनाने का रीज़न ये है कि ताकि आपको नीचे ना जाना पड़े बार बार और यहीं पर अपना खाना बना ले या जो भी आप चाय पीना चाहे। तो गाइज अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ। ये आ जाता है बालकनी आपका, 4 फीट की ये बालकनी है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी मिल जाती है, काफ़ी स्पेस है आपका, यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत ना, और बाकी आप व्यू तो देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइज पेंट्री एरिया और स्टोरेज एरिया के बाद हम चलते हैं आपको लेके बहुत ही अच्छी प्लेस पर। ये आ जाता है हमारा पूजा रूम, जहाँ देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेशियस पूजा रूम यहाँ बनाया गया है। तो गाइज ये आ जाती है आपकी सेपरेट एंट्री फर्स्ट फ्लोर को, और ये एंट्री हमारी जाती है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था केयर टेकर रूम की तरफ। तो गाइज अब बारी आती है हमारे फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ जाने की। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। और फॉल सीलिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, काफ़ी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। और यहीं पर आपका टी वी पैनल आ जाता है, यहाँ पे आप अपना बड़ा सा LED इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो ये एरिया है गाइस, इसका मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं या फिर आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ये आपके बुक शेल्फ आ जाते हैं, या आप यहाँ पे बुक्स रख सकते हैं, या आप कोई एंटिक पीस रख सकते हैं, एज डिपेंड ऑन यू। बाकी इसके बाद चलते हैं हम हमारे वार्डरोब एरिया की तरफ। ये आ जाता है हमारा वार्डरोब एरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे सेंसर लाइट लगाए गए हैं, जैसे ही आप इसको खोलेंगे वैसे ही ये सेंसर लाइट ऑन हो जाएंगे और जैसे ही आप इसको बंद करेंगे ये अपने आप ऑफ हो जाएंगे। फुल हाइट तक की ये वार्डरोब्स हैं, कोई आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं पर आपको आपकी बड़ा सा मिरर मिल जाता है ताकि आप रेडी हो सके। और इसके बाद आ जाता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम विद
ग्लास की पार्टीशन यहाँ पे हो रखी है। और इसके बाद मैं विंडो का बताना चाहूँगी आपको, यहीं पे ही आपको आपकी बेडरूम में बड़ी सी विंडो मिल जाती है ताकि आपको सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती रहे और सामने का व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा वुडन का वर्क किया गया है यहाँ पर। और ये आ जाती हैं आपकी फुल हाइट तक के वॉर्डरोब्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ। और यहीं पर ही आपका टीवी पैनल आ जाता है। और इसके साथ यहाँ पे आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया। और यहीं पे आपका ये अटैच्ड वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी लग्जरियस वॉशरूम ये आ जाता है आपका। ग्लास की पार्टीशन यहाँ पे भी की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बालकनी की तरफ। जो आप बालकनी मास्टर बेडरूम से देख रहे थे, ये आ जाता है हमारा बालकनी। काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी सुंदर ये बालकनी आपको मिल जाती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्टी बाई नाइन फीट की ये बालकनी आपको मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये बालकनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसका कारण क्या है कि आपको सर्दियों में धूप मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बैठ के आप अपनी चाय कॉफ़ी या जो भी आप इंजॉय करना चाहे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के लास्ट बेडरूम में, जो कि हमारा फोर्थ बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखा दिया था। तो अब हम चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका लास्ट बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है ये। और फॉल सीलिंग भी बहुत ही डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। और ये आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया, यहाँ पे आप अपना कोई भी साइज़ का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना शोकेस रख सकते हैं या फिर आप अपनी बुक्स रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशियस विंडो आपको मिल रही है यहाँ पर, ताकि आपको सनलाइट मिलती रहे, नेचुरल वेंटिलेशन मिलती रहे। और इसके बाद आ जाता है हमारा वार्डरोब एरिया। वाओ, कितना स्पेशियस वार्डरोब एरिया है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ वार्डरोब्स मिल जाते हैं। और सेंसर लाइट का मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया विद कैबिनेट, ताकि आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहीं पे इसी के साथ आपका आ जाता है वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम। ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, ग्लास की पार्टीशन यहाँ पे भी की गई है और टाइल वर्क भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। तो ये था हमारा लास्ट बेडरूम, काफी अच्छे स्पेस के साथ। तो अब हम चलते हैं टॉप फ्लोर की तरफ गाइस, जहाँ पे हमने वन बेडरूम का सेट बनाया हुआ है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं हम हमारे टॉप फ्लोर पर। यहाँ पे आप ये स्पेस देख रहे होंगे, ये स्पेस आप अपना स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे ये स्पेस वैसे आप यूज़ करें। तो गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी प्लस पॉइंट है यहाँ पर, हमने कूल टाइल्स लगाई हुई हैं, जिसका कारण ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री कम हो जाएगा, घर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। और गाइज यहाँ पे हमने VRV की दो यूनिट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के। और यहीं पे आप जो स्टेयर्स देख रहे होंगे, ये ऊपर टॉप रूफ को जाते हैं,
जहाँ पे पानी की टंकियाँ वगैरह रखी हुई हैं सारी की सारी। तो गाइज आप देख ही रहे होंगे कितना स्पेशियस टेरेस आपको मिल रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा टेरेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। आप अपना गेट टुगेदर कर सकते हैं या कोई भी आप पार्टी कर सकते हैं इजीली। तो गाइज अब वन बेडरूम सेट की तरफ चलते हैं। ये आ जाता है आपका वन बेडरूम सेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप एज अ केयर टेकर को भी देख सकते हैं या फिर आप इसको रेंट पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी कन्वीनियंट रहेगी। और ये आ जाता है आपका किचन। नॉर्मली आपने देखा होगा सर हमारी वीडियोस में क्या रहता है कि सर्वेंट रूम या फिर जो रेंट वाले रूम्स होते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं। काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम। कितना अच्छा और कितना स्पेशियस आपको वॉशरूम मिल रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली ऐसा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है जो आज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सर्वेंट रूम कह लो या फिर आप रेंट पे देना चाहो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल सीलिंग आपको मिल रही है, तो इसको पोलैंड से इम्पोर्ट किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बालकनी आपको मिल रही है। अगेन काफ़ी स्पेशियस बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहीं पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना ग्रीनरी पूरे घर में आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की गई है। तो आई होप गाइज आपको हमारा ये इंडिपेंडेंट 300 गज का बना हुआ विला बहुत ही अच्छा लगा हो। पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहले। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो नीचे गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम में। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।